प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश पदावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। इस वीडियो में पहले हम बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ। तो पश्चिमी तट पर काफी अच्छी बारिश है। मुंबई में आपने देखा कि कल सुबह काफी तेज बारिश हुई थी, यानी कि कल सुबह या रात में, और काफ़ी तेज बारिश कई इलाकों में जल भराव वगैरह हो गया था, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसी तरह दक्षिणी गुजरात के साथ साथ कर्नाटका और केरल में भी अच्छी बारिश हुई थी, और आंतरिक कर्नाटका में भी जो बारिश की गतिविधियां तेज थी, और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। तो अब जो मानसून की रेखा है, आप एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जिसको कहते हैं, वो उत्तर भारत की तरफ आ गई है। बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों में आपने देखा उत्तराखंड में काफी अच्छी हुई थी, यानी तेज बारिश हुई थी। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी रही हैं, और काफी दिनों के बाद उत्तर पश्चिम जो उत्तर प्रदेश है उस इलाके में बारिश अच्छी देखने को मिली। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों के साथ साथ राजस्थान में भी अच्छी बारिश हुई थी। आज हमें उम्मीद है कि पंजाब के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी रहने वाली हैं। उसी तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो निचले इलाके हैं, खास करके जो तराई वाले इलाके हैं और जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस इलाके में भारी से अति भारी बारिश, मूसलाधार बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है, जो आज और कल जारी रहेगी। तो अब इस इलाके में जो भूस्खलन है, यानी कि लैंडस्लाइड वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो जब भी जो भी पर्यटक वहां जाने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि कोशिश करें कि दो दिनों का डिले कर दें, यानी कि दो तीन दिन बाद जाएं, क्योंकि इस समय वहां खतरा ज़्यादा है। और आपने देखा था कि धर्मशाला और गंदरबल में कितना बुरी तरह से जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि जो नदी नाले हैं उसके अंदर भी लोग घर बनाने लगे हैं, तो वो संकरे हो गए हैं। जब तेज बारिश पहाड़ों पर होती है तो उसके साथ जो पेड़ पौधे और जो मिट्टी स्लश ये सारा आता है, तो वो रास्ता रुक जाता है, और जब तेज पानी आता है तो वो शहरों में आ जाता है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दिल्ली और उसके आसपास की। तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आज बारिश की संभावना काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और अब मौसम सुहावना हो चला है, बादल छाए हुए हैं कई इलाकों में, और अब बारिश की गतिविधियां हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के भी कई जिलों में, यानी कि गंगानगर से लेकर के झुंझुनू, सीकर, अलवर, चुरू, बीकानेर, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। उसी तरह से जो अजमेर है और जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें नज़र आ रही है, यानी कि इस इलाके में हो सकती है बारिश। लेकिन कल से हो सकता है कि जो पश्चिमी जिले हैं राजस्थान के, उस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां हो जाए। उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी अगले दो तीन दिनों तक, और काफ़ी अच्छी बारिश रहेगी ज़्यादातर इलाकों में, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भी बारिश की कमी थी वो पूरी होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। और अगर पूर्वी भारत की बात करें, बाकी इलाकों में, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी जिले हैं, इन इलाकों में और पूर्व उत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। गंगे पश्चिम बंगाल में लाइट टू मॉडरेट रेन ही होगी, जैसे कि कलकत्ता, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, 24 परगना, पुरुलिया, बांकुरा, इन इलाकों में, और उसी तरह जमशेदपुर वगैरह में ठीक ठाक बारिश की संभावना है। और बाकी रांची वगैरह और उसके आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां अब बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा में लाइट टू मॉडरेट रेन की रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। मध्य जो इलाके हैं उस इलाके में भी बारिश बढ़ेगी, और धीरे धीरे जो ये उज्जैन, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अब देखने को मिल सकती हैं। और इसी तरह से जो अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में देखिए आप, ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है जो साउथ कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र पर है, और एक तरफ रहेगा महाराष्ट्र यानी दक्षिणी गुजरात से लेकर के कर्नाटका की तरफ तक आ रही है। तो इन सारे पैरामीटर्स के कारण क्या होगा कि दक्षिणी गुजरात में काफ़ी अच्छी बारिश होगी, बाकी गुजरात में लाइट रेन होगी, एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं, और जो तटीय महाराष्ट्र है यानी कोकण और गोवा, इस इलाके में भारी से अति भारी बारिश संभावना बनी हुई है। मुंबई में अगले दो या तीन दिनों तक अच्छी बारिश जारी रहेगी, ऑन एंड ऑफ रहेगी, बीच बीच में ब्रेक आएगा, पानी को बहने का मौका मिलेगा, लेकिन जब भी बारिश होगी काफ़ी तेज होगी, मूसलाधार होगी, जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई रेन ऐप है स्काईमेट की, वो आप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको हर इलाके का
जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हमने लगा रखा है, अगले पिछले 3 घंटे में, 6 घंटे में, 24 घंटे में क्या क्या बारिश हुई है, कितनी बारिश हुई है आपको पता लगेगा। इससे आप अपनी जो बाहर जाने के लिए जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं। आंतरिक महाराष्ट्र में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, तटीय कर्नाटक में भारी बारिश होगी। अब आंतरिक कर्नाटक में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। बेलगावी वगैरह में काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है, और उसी तरह से तेलंगाना के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक रहने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, और चेन्नई के आसपास भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, यानी कि मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं रहेगा। चेन्नई में ऑन एंड ऑफ रेन होने की संभावना नजर आ रही है। आंतरिक तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम रहेंगी। मदुरई, कोयम्बटूर और जो बाकी इलाके हैं इस इलाके में, केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन अभी फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक नहीं होगी, यानी कि मौसम सुहावना बना रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा बनी हुई हैं, अभी भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा रह सकती हैं, लेकिन लक्षद्वीप लगभग शुष्क रहेगा। इस इलाके में बारिश की गतिविधियां ना के बराबर है, और जैसे हमने बताया कि मुंबई से लेकर के गोवा तक या कर्नाटका तक काफी अच्छी बारिश जारी रहेगी, और जो पूर्वी भारत है उस इलाके में भी मानसून एक्टिव बना रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश रहेगी। दिल्ली में भी रुक रुक करके बारिश होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को जो मानसून है काफी एक्टिव देखने को मिलेगा अगले 2 या 3 दिनों के दौरान। इसके आगे जो अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।